9th standard students, today we are going to continue with the chapter 7, right? Chapter 7 में सबसे पहला हम लोग देखेंगे कुछ basic concept clear करके लेंगे. What is mean by ecosystem? What are the different types of ecosystem and how do interaction take place between abiotic and biotic components? तो पहला हम लोग पहले question का answer देखते हैं. What is mean by ecosystem? Ecosystem का answer is given here. बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर नेचुरल इंटरेक्शन फॉर्म एन इकोसिस्टम. मतलब जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं और उनका जो नेचुरल इंटरेक्शन है उससे इकोसिस्टम बनते हैं. तो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन फॉर्म एन इकोसिस्टम. बायोटिक मतलब क्या? लिविंग बींग्स, एनिमल्स. नॉन एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग्स, स्टोन, होम, देन लैंड, अर्थ. देयर नेचुरल इंटरेक्शन, म्यूचुअल इंटरेक्शन, उन दोनों में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम. विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम? कौन कौन से टाइप का इकोसिस्टम है? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम. एक्वेटिक एंड टेरिस्टेरियल. हाउ डू इंटरेक्शन टेक प्लेस? इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स में कैसे होता है? इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स आर, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर स्पेसिफिक एबायोटिक फैक्टर्स. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एबायोटिक फैक्टर्स चाहिए, जैसे पानी चाहिए, हवा चाहिए. तो ये बायोटिक फैक्टर किससे रिलेटेड है? एबायोटिक फैक्टर्स से. टाइप्स ऑफ सॉइल, क्वालिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी आर सम ऑफ द एबायोटिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बायोटिक फैक्टर्स. मिट्टी हो गया, सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब हमको अफेक्ट करता है कि नहीं? Therefore, in this way we can say that there is an interaction between biotic and abiotic factors. समझ गया? तो क्या क्या है इकोसिस्टम? मतलब क्या? बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स में इंटरेक्शन होता है, इसको इकोसिस्टम बोलते हैं. व्हाट अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम? टू टाइप्स, एक्वेटिक एंड टेरिस्टेरियल. एंड हाउ डू इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स? इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम आर, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर स्पेसिफिक फैक्टर्स. सेकेंड पॉइंट, टाइप ऑफ सॉइल, क्वालिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी आर सम ऑफ द एबायोटिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बायोटिक फैक्टर्स. इज दिस क्लियर? कितना समझा? नेक्स्ट, एज वी नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इकोसिस्टम. पहला है प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको हम लोग हर्बीवर्स बोलते हैं. हर्बीवर्स मतलब जो नेचर से प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं. किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होते हैं. जैसे ग्रासपर्स, स्क्वायरल, ये लोग किसके ऊपर डिपेंड है? ट्रीज के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर. दे आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स. किसके ऊपर डिपेंड है लोग? मतलब प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है. सेकेंड है सेकेंडरी कंज्यूमर, कॉर्निवर्स, जो हर्बीवर्स के ऊपर डिपेंड है. फ्रॉग, आउल, फॉक्स, दिस कंज्यूमर यूज हर्बीवर्स एज देयर फूड. ये लोग हर्बीवर्स को खाते हैं, इन लोग हर्बीवर्स को कंज्यूम करते हैं. अपेक्स टॉप कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर कॉर्निवर्स, टाइगर, लायन, दिस कंज्यूमर हर्बीवर्स एंड कॉर्निवर्स एज देयर फूड. उन लोग के फूड में हर्बीवर्स भी होते हैं और कॉर्निवर्स भी होते हैं. नो अदर एनिमल फीड ऑन टॉप कंज्यूमर, इसके ऊपर कोई भी कंज्यूमर नहीं है. उसके बाद आता है मिक्स्ड कंज्यूमर, मिक्स्ड कंज्यूमर ओमनिवर्स. ह्यूमन हियर, ह्यूमन हो गया, बियर हो गया, फीड आर ऑन हर्बीवर्स. इन लोग किसके ऊपर डिपेंड है? हर्बीवर्स एंड कॉर्निवर्स दोनों पे. हर्बीवर्स के ऊपर डिपेंड है और कॉर्निवर्स के एंड प्रोड्यूसर तीनों पे डिपेंड है. मतलब इन तीनों पे कौन डिपेंड है? ओमनिवर्स. इज दिस क्लियर? तो देयर आर टोटल सिक्स लेवल ऑफ कंज्यूमर, फोर लेवल ऑफ कंज्यूमर. पहला प्राइमरी कंज्यूमर, विच डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स, प्रोड्यूसर, ग्रासपर्स, स्क्वायरल. सेकेंडरी कंज्यूमर इज द कॉर्निवर्स, विच डिपेंड्स ऑन हर्बीवर्स फॉर फीडिंग. कॉर्निवर्स, टाइगर, लायन, दिस कंज्यूमर यूज हर्बीवर्स एंड कॉर्निवर्स दोनों को यूज करते हैं. एंड ओमनिवर कंज्यूमर, इट इज़ मिक्स कंज्यूमर बिकॉज इट कंज्यूम ऑल दिस थ्री, तीनों को वो कंज्यूम करते हैं. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज फूड चैन एंड फूड वेब. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फूड चैन एंड फूड वेब. अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सनलाइट की वजह से घास उग रहा है, घास को ग्रासोफर्स खाते हैं, ग्रासोफर्स को फ्रॉग खाते हैं, फ्रॉग को सांप खाते हैं, सांप को बैट खाते हैं, काइट खाते हैं, और काइट बाद में मरने के बाद डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है. जर्म्स उसको डिकम्पोज कर देते हैं. वापस डिकम्पोज होके क्या बनेगा? घास. मतलब ये दिस सर्कल विल गोइंग ऑन कंटिन्यूसली, कभी स्टॉप नहीं होगा. समझा? एनर्जी यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके पास एनर्जी आती है, एनर्जी इसके पास जाती है, एनर्जी इसके पास जाती है, एनर्जी इसके पास जाती है, वापस एनर्जी इधर आ जाती है, फिर से वापस घास उगता है. समझ गए?
तो इंटरेक्शन गो कंटिन्यूसली बिटवीन प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड सेप्रोट्राइब सेप्रोफाइट्स देर इज अ डेफिनेट सिक्वेंस इन दिस इंटरेक्शन विच इज कॉल्ड एज फूड चेन. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड चेन. इंटरेक्शन जो है ना ये कंटिन्यूस गोइंग ऑन बिटवीन प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड सेप्रोफाइट्स. प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से सेप्रोफाइट्स. देर इज अ डेफिनेट सिक्वेंस, एक फिक्स सिक्वेंस है इन दिस इंटरेक्शन विच इज कॉल्ड एज फूड चेन. ईच चैन कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 मोर लिंक्स. हर एक चैन में कितना लिंक है? 4 to 5 लिंक. इसमें कितना लिंक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिंक है. हाँ, तो एवरी चैन कंटेंट्स 4 to 5 लिंक्स. एंड इको सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चैन. इको सिस्टम बहुत सारे फूड चैन होते हैं. देर आर इंटरकनेक्टेड वेरियस लेवल. हर एक लेवल पर लोग इंटरकनेक्टेड होते हैं. दस वेब फूड वेब इज फॉर्म. उससे क्या बनता है? फूड वेब. मतलब बहुत सारे फूड चैन को लेकर के क्या बनता है? फूड वेब. Then ecosystem consists of many food chain that are interconnected at various level. Thus food web is formed. Is this clear? पक्का समझ गए? Food chain क्या होता है? Interaction go on continuously between producer and consumer. There is a definite sequence in this interaction which is called as food chain. ये saprophytes पढ़ने की जरूरत नहीं है. Direct ऐसे पढ़. Interaction go on continuously between producer and consumer. Producer, consumer and saprophytes. नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा. Producer, consumer. There is a definite sequence in this interaction. Interaction में different sequence होता है, which is called food chain. Each food chain is 4 to 5 links. हर एक food chain में 4 to 5 links होते हैं. And ecosystem consists of many food chain. Ecosystem बहुत सारे food chain होते हैं. There are interconnected various level. Thus food web is formed. So total how many questions you learned? First 3 questions you had learned. What is mean by ecosystem? What are different types of ecosystem? How do interaction take place? The next question is. What is primary consumer, secondary consumer, apex consumer, omnivores? ये 4 क्वेश्चन आ गया. अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि एक्सप्लेन अबाउट द प्राइमरी कंज्यूमर, यू शुड नो अबाउट दिस. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वॉट इज फूड चैन, वॉट इज फूड वेब. फूड चैन क्या होता है? इंटरेक्शन गो ऑन कंटिन्यूसली बिटवीन प्रोड्यूसर कंज्यूमर. देर इज अ डेफिनेट सिक्वेंस इन दिस इंटरेक्शन विच इज कॉल्ड एज फूड चैन. वॉट इज फूड वेब? ईच चैन कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 लिंक्स. एंड इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चैन. इकोसिस्टम बहुत सारे फूड चैन होते हैं. दैट आर इंटरकनेक्टेड. जो इंटरकनेक्टेड होते हैं दैट इज कॉल्ड फूड वेब. इज दिस क्लियर? देन फॉर टुडे यू हैव टू प्रिपेयर द क्वेश्चन आंसर विच आई एम गिविंग यू. स्टूडेंट यू हैव टू राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. हर्बीवर्स, कार्निवर्स, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ओमनिवर्स, फूड वेब, फूड चैन. दिस 5 क्वेश्चन. अलॉन्ग विद दिस 5 क्वेश्चन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस 3 क्वेश्चन ऑल्सो. वट इज मीन बाई इकोसिस्टम? What are the different types of ecosystem and how do interaction take place between biotic and abiotic factors of the ecosystem? These 8 questions you have to write the answer as a homework for today. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.